लखनऊ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां कुकरेल इलाके में जारी बुलडोजर एक्शन फिलहाल रोक दिया गया है। सरकार ने बुलडोजर का फैसला वापस ले लिया है। सीएम योगी ने प्रभावित इलाके के लोगों से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके घर तोड़े नहीं जाएंगे। सीएम योगी ने ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि लखनऊ में पंतनगर हो या इंद्रप्रस्थ नगर, यहाँ के हर निवासी की सुरक्षा और संतुष्टि हमारी जिम्मेदारी है। कुकरेल नदी पुनर्जीवन परियोजना से प्रभावित परिवार निश्चिंत रहें, निजी मकानों पर लाल निशान लगाने का कोई औचित्य नहीं था, ऐसा करने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र में लोगों से मिलकर उनका भय और भ्रम दूर करने को और वहां पर जन सुविधाओं के विकास हेतु निर्देशित किया गया है। निश्चिंत रहें, हर नागरिक के हितों का संरक्षण, उनकी संतुष्टि और सुविधा आपकी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। तो यहां पर यह ट्वीट किया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, पंतनगर इंद्रप्रस्थ नगर में बुलडोजर नहीं चलेगा, घरों से निशान मिटाने के आदेश दिए गए हैं। प्रभावित परिवार निश्चिंत रहें, बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। निजी घरों पर रेड मार्किंग की जरूरत नहीं थी, ऐसा करने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी। ध्वस्तीकरण का कोई विषय विचाराधीन नहीं है, निजी घरों पर रेड मार्किंग की जरूरत नहीं थी। लखनऊ में जारी बुलडोजर एक्शन फिलहाल के लिए रुक गया है। लखनऊ में रहीम नगर, पंत नगर, अबरार नगर और खुर्रम नगर में बुलडोजर की कार्रवाई जारी है और इमारतों को ढहाया जा रहा है। सीएम योगी के आवास पर इसे लेकर एक अहम बैठक हुई, जिसमें सीएम योगी ने इन इलाकों में रहने वाले वह लाल निशान जिसकी वजह से इन तमाम इलाके के लोग परेशान थे, उसको साफ तौर से आप यहां देख सकते हैं। एलडीए ने पिछले सोमवार को इसी तरह का लाल निशान यहां के तमाम मकानों पर लगाया था, जिनकी तादाद करीब 700 से लेकर के 800 के बीच में थी। ऐसे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद यहां के निवासियों को न सिर्फ सुकून की सांस लेने को मिली है, बल्कि आप इस बात को मानकर चले कि 700 से 800 मकानों पर जहां तमाम निशान लगाए गए थे, अब वो सुकून की सांस ले पाएंगे। सीएम योगी ने पंत नगर इलाके के लोगों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने कहा कि सभी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। सीएम योगी से मुलाकात के बाद महिलाओं ने उनका आभार जताया और इस फैसले पर खुशी जाहिर की। हमारा घर बच गया, अभी बहुत बड़ी योगी जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ कि हमारा घर बच गया। क्या कुछ बात हुई है? हम लोगों की बात, वो सब कुछ हमारे फेवर में किए हैं कि हमारा जितना भी घर है, अगर रजिस्ट्री है तो वो नहीं हटाए, नहीं हटेगा। थैंक यू। तो आप लोग खुश हैं इस फैसले? बहुत 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 खुश, बहुत ज्यादा। लोगों से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने उनके मकानों पर लगे लाल निशान पर भी एतराज जताया। सीएम योगी ने कहा कि मकानों पर लाल निशान लगाने का कोई मतलब नहीं है। सीएम योगी ने भरोसा जताया कि लाल निशान लगाने वालों की जवाबदेही तय होगी। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में जाएं और लोगों से मिलें। लोगों के मकानों पर लाल निशान लगा करके भय का वातावरण क्यों बनाया? उन्होंने साफ तौर से कहा है कि एलडीए, सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर जाएं और स्थानीय निवासियों से बात करके सामंजस्य स्थापित करें, साथ ही इस बात का भी फैसला करें कि आखिर इस तरह का भय का और तनावपूर्ण वातावरण इन तमाम इलाकों में क्यों बनाया गया। साफ तौर से आप देखें, नदी की जो मुख्य धारा थी 50 मीटर से उस धारा को नापा गया। जो मकान 50 मीटर के अंदर आए उन पर इस तरह के निशान लगाए गए। 17 मीटर अंदर का मतलब हुआ कि नदी की जो मुख्य धारा है उसकी दूरी यहाँ से 17 मीटर की है, यानी इस मकान को भी एलडीए डिमोलिश करने के बारे में इरादे बना रहा था। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बोले पंत नगर के लोगों ने राहत की सांस ली है। उन्होंने कहा कि वो सीएम योगी से मिलकर काफी खुश हैं, क्योंकि सारी बातें तय हो गई हैं। मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और
उन्होंने हमारी बात बहुत सरलता से सुनी और उसको बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जिन अधिकारियों ने यहाँ पे भय युक्त माहौल बनाया था उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आप लोग वो आपके घर आएंगे जो लाल निशान लगा के गए हैं, वो आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि किस आधार पर निशान लगाए गए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कोई भी मकान को क्षति नहीं होगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि वो पिछले 8 से 10 दिनों से सोए नहीं हैं। लगातार उन्हें अपने घर टूटने की चिंता सता रही है, लेकिन सीएम योगी से मुलाकात के बाद उन्हें आश्वासन मिल गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, यहां के निवासियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। हम लोगों ने इनकी स्थिति को देखा है और उन्होंने हमारी समस्याओं को सुनने का काम किया, समझने का काम किया है, जिसके लिए हम बहुत बहुत उनका आभार करते हैं कि हमारा मकान हमें मिला, हम आज की नींद ठीक से सो सकेंगे, हमारे बच्चे ठीक से पढ़ाई कर सकेंगे, हमारी रोजी रोटी यहाँ से चलती रहेगी। स्थानीय लोगों से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने भरोसा जताया है कि जिन अधिकारियों ने भय और भ्रम फैलाया उनको आपके घर भेजा जाएगा ताकि आप उनसे सवाल पूछ सकें। इसके बाद का प्रोसेस ये था कि इन तमाम मकानों को धारा 27 की नोटिस दी जाती, नोटिस दिए जाने के बाद इनके खिलाफ ध्वस्तीकरण का आदेश जारी होता, फिर अकबर नगर की तरह इन तमाम जगहों पर बुलडोजर लाकर खड़ा किया जाता। फिलहाल तमाम इलाकों के लोग बेहद खुश हैं क्योंकि मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम लोगों को आश्वासन दिया है कि जो लोग वैध हैं, जिनकी रजिस्ट्रियां हैं, उन तमाम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि LDA, नगर निगम और दूसरे अधिकारी इस मौके पर आएंगे और भय का जो वातावरण बना है इससे उनको निजात दिलाएंगे। कैमरा गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज 18, लखनऊ। लखनऊ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, बुलडोजर एक्शन रोक दिया गया। लखनऊ में पंतनगर हो या इंद्रप्रस्थ नगर, फिलहाल बुलडोजर अब नहीं चलेगा, इस बात को साफ तौर पर कह दिया गया है। पंतनगर, खुर्रम नगर समेत इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में खतरा यह था कि वहां पर सरकार लाल निशान लगाकर तमाम लोगों के मकान को गिराएगी। अब जो है आप सब देखे, अब खुशी का माहौल है, लोगों के हाथों में फूल मालाएं हैं। अब आप इधर आ जाए जरा सा, आगे कर ले हाथ, ये भी खुशी अपना जाहिर कर रहे हैं क्योंकि ये तमाम लोग करीब 30-35 सालों से यहाँ पर रह रहे थे। आइए इन लोगों से बात भी कर लेते हैं, यहाँ के जो निवासी हैं क्या कहेंगे अब आप, जब अब आप फैसला हो गया कि आप लोगों को रिलीफ मिलने वाला है। मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उन्होंने हमारी बात बहुत सरलता से सुनी और उसको बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जिन अधिकारियों ने यहाँ पे भय युक्त माहौल बनाया था उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आप लोग वो आपके घर आएंगे जो लाल निशान लगा के गए हैं, वो आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि किस आधार पर निशान लगाए गए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कोई भी मकान को क्षति नहीं होगी। अगर थोड़ा बहुत कोई जाता भी है तो उसका उचित मुआवजा दिया जाएगा और मैक्सिमम उन्होंने 30 से 35 मीटर और मिनिमम जो है 18 मीटर जो है इसके चौड़ीकरण का आदेश दिया है। और मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि जो बहुत सी भ्रमक स्थितियाँ लोग फैलाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ किसी की सुनते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारे मीडिया कर्मी भाइयों द्वारा उन तक जो है सही बात पहुँचाई जाती है, उनके कानों तक पहुँचती है तो वो बहुत उचित एक्शन लेते हैं और मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने जो है हम लोगों को बहुत रिलीफ दिया और आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि जो है उनके लिए जो भ्रांतियां हैं वो लोगों से मन में निकलें और वो अपनी बात वहां तक पहुंचाएं। कैसे भी जब बात पहुंचती है तो वो उसके ऊपर उचित कार्रवाई अवश्य करते हैं।